गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ब्लॉग। मैं खेलने के लिए आया हूँ बैडमिंटन, बहुत दिनों बाद शुरू किया हूँ फिर से मॉर्निंग टाइम पे। और ये मेरी फैमिली मेरे साथ आ चुकी है खेलने के लिए, इन लोग आज एक्सरसाइज करेंगे और मैं बैडमिंटन खेलूँगा अंदर जाके। चलिए देखते हैं जो भी होगा आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे। आरपा को देखिए, सुबह से उसके पापा के साथ मस्ती कर रही है। तो चलिए चलते, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। तो ये अभी जा रहे हैं इंडोर बैडमिंटन खेलने के लिए, और आप लोग देखिए और हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज। नहीं नहीं वहाँ नहीं, हम लोग आरफा गिर जाओगे ध्यान से। तो अभी यहाँ पर ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, हार गए ये, हार गए। मैं भी थोड़ा सा बैडमिंटन खेल रही थी, तभी चलते हैं आरफा कहाँ की बाहर, देखते हैं उसको। आ गए आरफा, आ गए। हाँ बोलो, हाँ क्या हुआ? पानी पीना है। पानी पीना तो थक गए क्यों? पानी पीना है, मैं पानी नहीं लेके आई। इसमें पानी नहीं है। अभी क्या करेंगे? पानी। क्या हुआ आरफा, चोट लग गया? क्या कर रहे थे तुम? चोट लग गया, यहाँ पर कूद रहे थे और नहीं करना। हमारा एक्सरसाइज हो गया खत्म और इनका खेल भी। तो अभी चलते हैं घर। आरफा को भूख लग रहा है। आरफा तुमको भूख लग रहा है क्या? और टिंकी भी अभी उठ गई होगी, पता नहीं, फिर रोने लगेगी, फिर झगड़ा करेगी। नहीं नहीं वो सोई थी। हाँ तो वो सोई हुई थी, हम लोग आ गए। तो अभी जाके घर देखते हैं, फिर गुस्सा हो जाएगी। तो खाएंगे नाश्ता ना? नहीं नाश्ता लेके चले जाएंगे। हाँ गैस के पापा, अभी बच्चे लोग जाएंगे ट्यूशन। और ये क्या लेके आया? फूट गया। कैसे है? आपस में सर टकरा लिए अंडे। आपस में अंडे सर टकरा लिए? आपस में टकरा के फूट गए। बिस्तर पे मत रखिए ना, किचन में रखिए। हॉट कुछ चबा देंगे। मम्मी को मुंह काट ली, मम्मी अपने मुंह में काट ली, कल मैं काट लिया था पकौड़ा खाते। क्या देख रही है अभी बेटी? क्या कल पकौड़ा खाए थे आप? मैं पकौड़ा खाया था कल। और यहाँ अभी टिंकी तैयार नहीं हुई ट्यूशन जाने के लिए, और वो लगी हुई है अपने। क्या क्या देख रहे बेटा? BTS, उसका फेवरेट है BTS। इतना फेवरेट की बेबी, दिखा दो अपना हाथ, दिखा दो। और BTS के लिए अपने हाथ में BTS भी लिख दिए मेहंदी से। और आरफा का भी मेहंदी देख लो। हाँ दिखाओ, दूर से, दूर से दिखाओ, नजदीक से नहीं। कैसे दिखाओ? आरफा का भी मेहंदी अच्छा है। हेलो गाइस, कैसा दिख रहा है मेरा मेहंदी बोलो? क्या 100 रुपए का काजू है? वो 100 रुपए का काजू को लोग एक ही दिन में खा जाएंगे लग रहा है। अरे अरे ये कैसे खा रहे हो? आराम से खाइए ना। चलो चलो सब लोग ट्यूशन चलो। हाँ अभी लोग ट्यूशन जाएंगे, फिर ट्यूशन से आने के बाद मैं मिलाऊंगी बच्चे लोग से। ओके आरफा बाय करो। चलो बेटा अभी कुछ भी पहन के तैयार हो जाओ जल्दी से। इतना सारा तो हाफ पैंट दिलाई थी, क्या किया है? इतना कम है। इतना कम? आओ चलो चले। उनका तो वही आओ चलो चले, आओ चलो देख लो, आओ चलो खा लो। कोई मैं बचपन से तो ब्लॉगिंग किया नहीं हूँ। ब्लॉग में कैसे बात करते हैं, सब लोगों को क्या बोलने से अच्छा लगता है मैं बोलूँ? हाँ तो जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं बोलता हूँ, है ना? आज के आप ऐसे दिखे रहे हो थोड़ा थोड़ा लड़की लोग की तरह। सेविंग कर लिया ना, चिकन चाकन
सुरमा लगाया हो क्या? सुरमा नहीं है, लगा लूंगा। ऐसा लग रहा है कि सुरमा लगा है। तो अभी मेरा यहाँ नमाज की दाब हो चुका है। आज बनाने वाली हूँ मैं प्रॉन करी, तो चलिए चलते हैं, बनाएंगे आज प्रॉन करी। और यहाँ पर ममता कुछ बना रही, दिखाती हूँ। ममता बना रही है, प्रॉन बन चुका, साफ कर चुकी है। अभी ये बना रही है तर पुट्टा मार कर चो। तो आज सुबह सुबह ममता नहा धो के तैयार हो चुकी है, आज रेडी हो गई मेकअप होके और मछली बना रही है। और मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन। तो यहाँ पर हमारा बनेगा प्रॉन करी, तो उसके लिए मैंने ले लिया है प्रॉन। और यहाँ चार कच्ची मिर्ची, ग्रीन चिली, और ये टोमेटो, और ये कटा हुआ प्याज, हल्दी और मिर्ची। अभी ममता प्याज फ्राई करेगी, मैं तब तक जाके आती हूँ। कौन आए हैं कस्टमर? सेटा सेट किया है मेरा। हाँ हाँ, तुम आई चो कौन करीब को कौन करना? अरे कौन करी सेव कर रहे। तो अभी मेरा करी बन रहा है, तो यहाँ पर और एक कस्टमर आ गए हैं। आईब्रो मेरा कंप्लीट हो गया और अभी यहाँ पर हेयर कटिंग होगा। तो हेयर कटिंग के बाद फिर से दिखाऊंगी कि मेरा तरकारी का क्या हालत है करेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इनका हेयर कट। तो ये है उनका हेयर कट टेक्चर, फिर कट करने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो अभी इनका हेयर कट डन हो चुका है, तो देख सकते हैं इनका हेयर कट। ये हमने लेयर दिया है उनके हेयर पर। तो अभी कस्टमर जा चुके हैं और हमारा पार्लर सफाई चला है, और अभी मैं थक गई इसलिए भेजे हैं लस्सी। तो थोड़ा मैं लस्सी पी लेती हूँ, चलिए देखते हैं कि हमारा तरकारी का क्या हालत हुआ है। अरे काट लो। अभी लगभग मेरा करी बन चुका है। जा रही हूँ कुरान खानी में पढ़ने के लिए, आज एक कुरान खानी का दावत है। तो फ्रेंड्स, कुरान खानी से आने के बाद मिलते हैं, और आज वहाँ पर मिलाद भी होने वाला है, तो मैं मिलाद भी पढ़ने वाली हूँ, लेकिन वहाँ पर इसलिए मैं शूट नहीं कर सकती वहाँ पर। तो आने के बाद मिलते हैं। तो फिर यहाँ एक तो पढ़ के सुना दीजिए, हमारे व्यूअर भी तो देखेंगे ना। नहीं, मुझे कौन सा पढ़ना है सर? ब्लॉग बनाने वाले को क्या सर माना? कौन सा पढ़ो? टैलेंटेड आदमी है, जो पढ़ने वाले वो पढ़े। तो मैं वहाँ पर पढ़ने वाली हूँ ठंडी ठंडी हवा और एक ठो क्यों जान में खोए हो दो ठो। तो ठंडी ठंडी हवा ही सुना दीजिए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मोजे करम मुस्तफा आ गए, बन के मोजे करम मुस्तफा। फालतू बोल दी बीच में, एक मार मारूंगा। ठीक है ठीक है, चलो बेटा सैंपल लेके जाओगे। मम्मी आरफा के लिए क्या खरीदने गई है? आरफा जी, बेबी जी, मम्मी क्या खरीद रही है बेबी के लिए? चॉकलेट। अच्छा, क्या हुआ आज? बहुत टेंशन में लग रहे हो। हाँ, क्या टेंशन है बताओ? पापा सब टेंशन दूर कर देंगे। सारे कर देंगे पापा को। क्या कर देंगे? सारे पापा। सारे पापा? सारे पापा नहीं बेटा, एक पापा है ना। चेन टूट गया, नया पोर्स लेना पड़ेगा। हाँ तो ले लीजिए नया पोर्स। रेगुलर कस्टमर, एक बार करी थी ऑयल फेशियल तो। हाँ। और अच्छा लगा उसको रिजल्ट, तो वो खुद से आएगी। चलो लेट हो जाएगा। ठीक है, लीजिए आप अपना। हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ कुरान खानी है, तो चलिए चलते हैं कुरान शरीफ पढ़ के फिर घर जाके मिलते हैं। तो अभी मेरा यहाँ एक पार्सल आया है, तो देखिए आरफा पार्सल को क्या कर रही है। तो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या है पार्सल में देखते हैं। चलिए, पिंकी को चोट लग गया है थोड़ा सा खेलते खेलते ट्यूशन में, तो अभी वो परेशान थी, तो मैं उसको मेडिसिन दे दी हूँ, और थोड़ा सा गर्म पानी का ये पॉट बना के उसको सेक भी रही थी। तो यहाँ देखिए आरफा का क्या है, वो आ गई अपनी बहन को लाड़ प्यार करने के लिए कि चोट लग गया बोल के। क्या हुआ आरफा, इतना प्यार कैसे उमड़ गया जो दिन भर लड़ते रहते हो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मम्मी को देखो। नेता रो रो के सिंगाड़ी निकल गया जी। ये माँ सच में रो रही है मेरी बच्ची। क्या लो लो, पिंकी को चोट लग गया।
या बोल भी जो लोग ये तो किसे ए अपना अपना काम दिला दी तो के लिए हां ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा दोनों मिलके बोलो हाय फ्रेंड्स बोल दो किसी को तो किसी बेबी दोनों बोलो दोनों मिलके ओहो इतना प्यार बेबी उसके साथ मिलके बोल दो सबको बाय कर दो दोनों मिलके आप ही के साथ बाय कर दो सबको फ्रेंड्स गुड नाइट कर दो गुड नाइट आप ही का बात सुनो आप ही का बात नहीं सुनोगे सुनो तो गुड नाइट बोलो इधर इधर देखो बोलो बोल दो फ्रेंड्स बोल दो अच्छा छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए तो देख सकते हैं इधर दोनों बहन का प्यार दोनों पूरा इमोशनल होके वो उसका ख्याल कर रही है उसको प्यार कर रही है अभी हो गया बहुत रात और हम लोग डिनर कर चुके हैं तो अभी यहाँ पर हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तो खुदा हाफिज़